नमस्कार दोस्तों, अब आपके लिए जो जड़त्व अवगुण का दूसरा टॉपिक है ये कि m द्रव्यमान की कोई छड़ जिसकी 2a लंबाई, दो भुजाएं हैं 2b और 2a उसकी लंबाई और एक आयताकार पटल का केंद्र से सेंटर से गुजरने वाली 2a लंबाई की 2a लंबाई की भुजा के समांतर रेखा के परित जड़त्व आगुण के परित जड़त्व आगुण। तो पहले अपने को ये कह रहा है एक आयताकार प्लेट, ये लो सा एक आयताकार प्लेट पी पी क्यू आर एस ये मान लिया। अब ये इसके सेंटर से कह रहा है तो एल वन एल टू ये इससे सेंटर से ये बिंदु वो मान लेते हैं इसके बीच। इसकी थोड़ी सी दूरी एक्स दूरी पर हमने ये एक पट्टी ले ली जिसकी डेल एक्स इसकी चौड़ाई है और इसकी कुल इधर लंबाई है 2b और इधर लंबाई है 2a। ये कह रहा है आयताकार की जो जो इसमें दिया वो पहले रख दिया। अब ये ab रख दिया, ये डेल एक्स एक पट्टी ले ली। अब इसको हमने जो जो ये काम किया है वो वापस इसमें दर्शाने पर m द्रव्यमान तथा pq बराबर 2a ये देख लीजिए ps ये कहो चाहे 2b और O पटल केंद्र से PQ बराबर 2a रेखा जो कि यहाँ से O से इधर इतनी दूरी पर ये समांतर हैं तो इसका पटल का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई ये हो गया और इसका द्रव्यमान है m। तो प्रति एकांक निकालना है हमें, पहले प्रति एकांक क्षेत्रफल सीधा सीधा m बटे हुए 4ab ये इसका प्रति एकांक इसके द्रव्यमान हो गया। किसका प्रति एकांक इस पटल का। तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए कह देते हैं रो। अब अपन देखते हैं PQRS एक आयताकार प्लेट पटल जिसको L1 L2 के परित जड़त्व आगुण ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर भुजा PS के समांतर डेल एक्स चौड़ाई की एक सूक्ष्म पट्टी का रेखा L1 L2 के परित सीमा क्या हो जाएगी। ये इधर प्लस में है और ये इधर माइनस में, तो माइनस ए से ए तक लिमिट हो जाएगी। लिमिट को तो पता चल गया आपको ये पट्टी है। तो अब इस पट्टी का जो द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात करते हैं या पट्टी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। तो इस पट्टी का द्रव्यमान हो जाएगा रो इंटू, यानी कि द्रव्यमान हमने पहले निकाला था रो, वो द्रव्यमान ही आया था, रो इंटू पट्टी का क्षेत्रफल। तो रो कितना है हमारे पास m बटे 2a और 2b और डेल एक्स ये पूरा रो, ये तो हो गया रो और ये पट्टी का क्षेत्रफल। तो इसका पूरा अपन क्या लिख सकते हैं m बटे 2 से 2 कट गया 2a डेल एक्स। अब इस सूक्ष्म पट्टी रेखा L1 L2 के परित जड़त्व आगुण क्या होता है किसी भी रेखा के 1/3 द्रव्यमान इंटू आधी लंबाई का स्क्वायर। वो अभी मैंने आपने पहले निकाला था कि 1/3 एम स्क्वायर ये होता है, इसी को तो कहते हैं 1/3 द्रव्यमान इंटू आधी लंबाई। यानी 2a लंबाई की थी वो एक m द्रव्यमान की 2a लंबाई की एक छड़ है जिसके एक सेंटर से परित जड़त्व आगुण ये होता है, वही तो ये सूत्र है। अब इसमें रखेंगे अपन मान कि जड़त्व आगुण क्या होता है m बटे 2a डेल एक्स इंटू बी का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो m स्क्वायर 6a डेल एक्स आ जाएगा। अब एक आयताकार पटल जो ये आया है वो जड़त्व आगुण है। अब इस आयताकार पटल है उस कुल का निकालना है L1 L2 के
परित जड़त्व आगुण, जड़त्व आगुण निकालना है। जड़त्व आगुण सीमा माइनस ए से ए एम बी स्क्वायर सिक्स ए डी एक्स लिख देते हैं इसको। लिमिट पहले जीरो से कर देंगे, दो ऊपर ले लेंगे ये कट जाएगा एक बटे तीन, तो सीधा सीधा आ ही गया एम भी आ गया, अब बी बी स्क्वायर भी आ गया सीधा सीधा, और डी एक्स तो इसका एक आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया एक आयताकार पटल का केंद्र से गुजरने वाली 2L लंबाई की भुजा के समांतर परित जड़त्व आगुण होता है एक बटे तीन एम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों। इसी प्रकार एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और एक अगला प्रश्न भी है, अगला प्रश्न ये है कि एम द्रव्यमान की 2L लंबाई की भुजाओं वाली आयताकार पटल का केंद्र से गुजरने वाली पटल के लंबवत रेखा के परित जड़त्व आगुण क्या होगा। तो सीधा सीधा इसको अपन ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग आया, तो कुल टोटल हो जाएगा सी, यानी कि ए प्लस बी। तो सीधा सीधा एक बटे तीन एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कुल। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी के साथ आप देख लेना अपनी बुक्स में, मैं इसके ऊपर थंबनेल भी लगा रखा है कौन सी बुक्स है। अब एम द्रव्यमान की ए त्रिज्या के वृत्ताकार तार या वलय रिंग के उसके व्यास के परित वलय का इसके व्यास के परित जड़त्व आगुण निकालना है। तो अपने को पहले सीधा सीधा कि अपने एक वृत्त खींच देंगे, ये एक इसकी त्रिज्या पूरा व्यास मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगी, ये ओ हो गया सेंटर बीच, और अब यहाँ से ये थोड़ा बहुत एक पट्टी ले लेते हैं डेल डेल थीटा, इधर जा रहेगी ये जेड, और ये क्यू हो जाएगा, ये ए बी हो गया। तो अब यहाँ पे ये लम डालेंगे तो इसका मान हो जाएगा ए साइन थीटा, तो इस पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी कितनी, ए डेल थीटा, ये कोण थीटा है, इसकी लंबाई ए है, तब ये ए साइन थीटा। अब इसको एम द्रव्यमान ए त्रिज्या वाली वलय और उसके केंद्र से, केंद्र यानी कि ओ जो कि ये ओ और ए बी, हमें व्यास के परित जड़त्व आगुण निकालना है। तो वलय के एक सूक्ष्म चाप यानी कि पी क्यू जो कि ये पी और ये क्यू हो जाएगा, और ए बी के परित जड़त्व आगुण निकालने के लिए उच्चतम सीमा पर हम समाकलन करेंगे। तो चाप पी क्यू क्या है, ए डेल थीटा, उसमें अपन अलग निकाल रहे थे, इसमें अपन अलग निकालेंगे। अब इसमें प्रति एकांक, ये तो आपको निकालना ही है, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान वृत्ताकार का क्या हो जाएगा m, और परिधि इंटू रो, परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, यहाँ पे r ना लिख के अपन a लिखेंगे क्योंकि हमारे पास त्रिज्या a है, तो 2πa रो। अब इसको रो बराबर लिख सकते हैं m 2πa, ये आ गया द्रव्यमान, रो इधर लिया इधर। तो अब PQ का द्रव्यमान क्या है, A डेल थीटा रो, अब रो का मान यहाँ पे रख देंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। अब चाप PQ व्यास AB के लंबवत दूरी क्या है, A साइन थीटा, वो अभी मैंने निकाली थी, ये सीधी सीधी है। तो अब AB के परित जड़त्व आगुण क्या हो जाएगा, A डेल थीटा रो इंटू ये वाला, यानी कि ये इसकी लंबाई है, इसका स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू लंबाई का स्क्वायर, ए डेल थीटा रो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये, और ये हो गया ये क्यूब, रो साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे आ जाएगा डेल थीटा, समीकरण नंबर एक। अब इसको वृत्त के पूरा टोटल वृत्त के परित, ये तो यह एक व्यास आया, उसका पूरा टोटल का निकालना है, तो अपन पूरा टोटल का निकालेंगे। अतः वृत्ताकार तार का व्यास
ए बी के परित जड़त्व आगुण, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, जीरो से टू ए टू पाई लिमिट हो गई, और ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा और पीछे रो। अब इसमें से ए क्यूब और रो तो पहले बार आ गया, जीरो से टू पाई, तो अपने को करना किसका है, साइन थीटा स्क्वायर का, साइन थीटा स्क्वायर का, और साइन थीटा स्क्वायर को अपन सीधा सीधा पहले इसकी लिमिट में बदल देंगे, टू पाई लिमिट को अपन आधी लिमिट इसको कर देंगे, तो ऊपर बार आ जाएगा चार, और फिर ये लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाई टू और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इसका अपन समाकलन कर देंगे, तो फोर ए क्यूब रो इंटू एक बटे दो इंटू पाई बाई टू लिमिट रखने के बाद, तो ये चार से चार कट गया, पाई ए क्यूब रो बच गया। अब यहाँ पे जो रो का मान हमने पहले निकाला था वो वाला मान उठा के यहाँ पे रखना है, पाई ए क्यूब इंटू एम बटे टू पाई ए, ये पाई से पाई ये ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा एक बटे दो, तो ये है ही, ये ए स्क्वायर है ही, ये एम कैपिटल। तो वृत्ताकार ए त्रिज्या के वलय के उसके व्यास के परित जड़त्व आगुण एक बटे दो द्रव्यमान इंटू उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि इसका ए त्रिज्या का वृत्ताकार वलय के केंद्र से निकालना है, तो सीधी सी बात है कि इसका दो बार ले लेते हैं, ये एक त्रिज्या ही ना, तो एक बटे दो एम स्क्वायर बराबर ये, इसको सीधा सीधा सी में जोड़ दो, ए प्लस बी यानी कि एक बटे दो एम ए स्क्वायर प्लस एक बटे दो एम ए स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो आधा और आधा जुड़ के पूरा हाफ पूरा फुल हो जाएगा, यानी कि एम एम इंटू ए स्क्वायर, ये सी इसका हो जाएगा उसके केंद्र से, और ये तो था उसके व्यास के परित और ये केंद्र के परित। अब आपको मैं साथ ही साथ एक वृत्ताकार शक्ति का भी बता देता हूँ इसके